बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सा मुस्तहब है जो फ़र्ज़ से अफ़ज़ल है? यूँ तो फ़र्ज़ मुस्तहब से अफ़ज़ल होता है, क्योंकि फ़र्ज़ का करना ज़रूरी होता है। अगर बंदा फ़र्ज़ छोड़े तो गुनहगार होगा, और मुस्तहब का करना ज़रूरी नहीं होता, उसके छोड़ने से बंदा गुनहगार नहीं होता। इसलिए फ़र्ज़ मुस्तहब से अफ़ज़ल होता है। लेकिन एक ऐसा भी मुस्तहब है जो फ़र्ज़ से अफ़ज़ल है। आप जानना चाहेंगे वो कौन सा मुस्तहब है? वो मुस्तहब है नमाज का वक्त होने से पहले नमाज के लिए वुज़ू करना, क्योंकि नमाज का वक्त होने के बाद नमाज के लिए वुज़ू करना तो फ़र्ज़ हो जाता है। नमाज का वक्त हुआ, अब नमाज क्योंकि अदा करनी है इसलिए वुज़ू करना फ़र्ज़ हुआ। नमाज के वक्त से पहले नमाज के लिए वुज़ू करना मुस्तहब है, और ये एक ऐसा मुस्तहब है जो नमाज का वक्त होने के बाद वुज़ू करने से बेहतर है, उससे अफ़ज़ल है। यही वो मुस्तहब है जो फ़र्ज़ से अफ़ज़ल है। अल्लाहु व रसूलुहु आलम।